नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाले हैं गाइस 3i इन्फोटेक की, और 3i इन्फोटेक में ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे दोस्तों मैसेज आए कि सर 3i इन्फोटेक में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त रनअप और कहना चाहिए एक ड्रीम रन के बाद, एक हनीमून पीरियड के बाद शेयर लगातार गिरावट की ओर है। और अब पैनिक में यह है कि अगर मार्केट में फिर से कमजोरी होती है तो क्या ये शेयर फिर से निचले स्तर में जाएगा कि वापस से ऊपर जाएगा। तो इन सब मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, गिरावट के कारण क्या ये भी बात करूंगा, और क्या है फ्यूचर इस शेयर का। एक ब्रोकरेज हाउस ने एक अच्छी खासी इसमें टारगेट भी दी थी, उसके बाद जिस तरह की लोगों में आशा बनी थी उसके विरुद्ध शेयर में गिरावट शुरू हो गई है। तो इन सभी चीजों में दोस्तों चर्चा करेंगे इत्मीनान से। वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, और क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होने वाली है दोस्तों ये वीडियो। लेकिन वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर देखिएगा। अब सीधा चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए आज दोस्तों लगभग 3.80% की गिरावट हुई है। एक टाइम में ये लोअर सर्किट भी लग गया था दोस्तों, बट अब ये खुल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, शेयर भागेगा या अगर नहीं भागे तो ये गिरावट क्यों हो रही है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले फ्रेंकली तो मैं बताऊं गिरावट क्यों हो रही है। आप जरा इस शेयर को देखें, पिछले एक साल की इसकी तेजी को आप इधर देखिए। कोई शेयर अगर इतना भागेगा तो क्या वो उसमें गिरावट नहीं होगी? होगी, ऑफ कोर्स होगी, और वही इसके साथ हो रहा है। आप देखिए एक दिन दो, लेकिन फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। 5 दिनों में केवल 13%, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। फिलहाल करेंटली कौन से वो लेवल से जो टूटते हैं तो फिर थोड़ा पैनिक मचेगा, आपके साथ बताऊंगा मैं। लेकिन देखिए, जब एक कंपनी में ड्रीम रन है ना, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न दिए, अब क्या दोस्तों मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो रही है, ठीक है। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी जो इसको इतना भयंकर रिटर्न दी, अब मार्केट लिक्विडिटी गायब हो रही है। FIIs लगातार माल बेच रहे हैं दोस्तों, प्लस जो मार्केट में जो अदर स्टॉक्स हैं, जो अलग अलग स्टॉक्स हैं, वो भी कहना चाहिए कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो बहुत दोस्तों मैं कहूँगा चीप रेट में मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो लोगों का रुझान अब उधर भी जाएगा दोस्तों अब। और क्योंकि देखिए, ऑपरेटर जब शेयर को भगाते हैं ना तो इसी प्रकार से भगाते हैं, बिना किसी मतलब के, जबरदस्त तरीके से। बट अब क्या है, अपने को क्या करना है, अगर आप, मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर आप बहुत निचले स्तरों पे हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तुरंत 50% प्रॉफिट बुक कर लें दोस्तों इस शेयर में। एटलीस्ट 50% मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। कई लोग बोलेंगे सर अभी तो मोतीलाल ओसवाल ने 180 के टारगेट भी दिए थे इसमें, दिए थे दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं टारगेट्स पे नहीं जाना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों 180 रुपए के टारगेट दिए हैं, उसके बाद से शेयर लगातार गिरावट में। मैं ये नहीं कहता 180 नहीं जाएगा, शायद चला जाए दोस्तों, लेकिन हमेशा याद रखिए मार्केट में एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, और एंट्री से मुझे लगता है कहीं ज्यादा यह है कि एग्जिट कब करना है ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं एग्जिट भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एग्जिट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय एग्जिट नहीं लेंगे, शेयर में अगर गिरावट होती है वो आपके सारे प्रॉफिट को खा जाएगा। इसीलिए अगर इतने अच्छे प्रॉफिट में अगर कोई शेयर आपको 1000% समझिए दोस्तों रिटर्न दे रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करना, प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, ठीक है। देखिए हाँ, शेयर में पोटेंशियल है, बिल्कुल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं बात करेगा कि शेयर में बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए, अगर मैं इसको ऑन पेपर दिखाऊं आपको, आप इधर देखिए, दैट केवल और केवल दोस्तों देखिए 1500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। और इसने लो 4.52 रुपए का है दोस्तों, 4.52 रुपए से ये शेयर आज कहाँ आ गया है दोस्तों, इसने 119 का हाई बनाया था। आप समझ रहे हैं क्या, किस प्रकार की अनप्रेसिडेंटेड रैली है ये, ठीक है। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 0 है लेकिन दोस्तों, ब्लैक परसेंटेज 0 है लेकिन, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों ये, ठीक है। और रिटर्न ओवर 3 ईयर 200% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि अभी जो सितंबर क्वार्टर है फिर दोस्तों इसने नेगेटिव रिटर्न दिए, यानी इसने लॉस बुक किया है दोस्तों, ठीक है। और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास अच्छे खासे हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ 3 साल में माइनस में रही है। तो देखिए ऑन पेपर आप देखेंगे बहुत नेगेटिविटी है शेयर में, अभी भी करेंटली बहुत नेगेटिविटी है। इसको ऑपरेटर ने जबरदस्त भगाया है, मतलब
बे इंतहा तरीके से बढ़ाया है। हाँ मोतीलाल ओसवाल जैसी अगर फॉर्म कह रही है ये भागेगा तो शायद भागेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं अगर निचले स्तरों से इतना अच्छा कोई रिटर्न दे दे शेयर, मैं उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूंगा। केवल 20 या 25% होल्डिंग रखूंगा, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, बाकी मैं सब कुछ बेच दूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ऑपरेटर्स का कोई भरोसा नहीं, किसी शेयर को अगर भगाते हैं तो पटकते भी वैसे ही हैं, ठीक है। और अब आप देखिए अगर मैं आपको आप बात करूं तो देखिए हर एक चीज़ बुलिश दिखेगी आपको, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, टेक्निकल इंडिकेटर हो, चाहे मूविंग क्रॉस ओवर हो, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो, सब चीज़ बुलिश है दोस्तों। आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अल्ट्रा बुलिश है, ये शेयर ने इसको भी तोड़ दिया दोस्तों, किसको सपोर्ट है पहले सपोर्ट को, दूसरा सपोर्ट कहाँ आ रहा है दोस्तों सीधा 88 के आसपास, सेकंड सपोर्ट आ रहा है ₹88 में, और जो थर्ड सपोर्ट दोस्तों उसका बाद सीधा 77 रुपए 77। मतलब समझिए कितने जबरदस्त दोस्तों नेगेटिविटी है। और कोई अगर ट्रेड ले रहा है दोस्तों तो आप देखिए जो ये क्लासिको फिबोनाची में आप देखिए 88.38 रुपीज सेम है, तो ये एक होना चाहिए जबरदस्त चीज कि अगर भैया यहाँ आई हो जाएगा दोस्तों एग्जिट शेयर से। एटलीस्ट नहीं भी होना है, कम से कम मैं कहूँगा 60-70% होल्डिंग अपनी सेल करना है दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छे स्तरों पे। एवरी की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा दोस्तों, देखिए मैं मेरी इसमें कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, इसीलिए मैं आपको कोई भी अनबायस्ड राय नहीं दूंगा कि नहीं नहीं खरीदना है खरीदना है, माफ कीजिएगा बायस्ड राय नहीं दूंगा कि खरीदना है खरीदना है। इसलिए प्लीज देखिए शेयर को समझिए आप, ये आज भी पेनी स्टॉक है, ऑन पेपर आप देखिए इसने लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर में भी केवल निगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। इसीलिए प्लीज ऐसे शेयर से मैं पर्सनली कहता हूँ दूर रहिए, ऑपरेटर ड्रिवन शेयर रहता है, भागता है, देखिए प्रॉस्पेक्टस अपनी जगह है, लेकिन इतने जबरदस्त रिटर्न अगर कोई शेयर दे दे प्लीज उसमें प्रॉफिट बुक कर लें आप। फ्यूचर का कुछ नहीं पता, मार्केट वीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन अपने चरम पे चल रही है और अच्छे अच्छे शेयर अब बहुत अच्छे रेट में मिल रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करिए, ना कि पेनी स्टॉक के पीछे भागिए दोस्तों, ठीक है। ये शेयर्स मानता हूँ मैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी पर्सनल ये राय रहेगी कि अगर निचले स्तरों में है प्लीज 75% प्रॉफिट बुक करें, और बाजार में जो अभी जो लार्ज कैप आपको इतनी ज़्यादा चीप रेट में मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा चीप रेट में मिल रहे हैं, और वो भी दोस्तों इतनी चीप रेट में, और वो भी इतनी सेफ्टी वाले स्टॉक, बड़े स्टॉक दोस्तों अल्टीमेट सेफ रहते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा सेफ रहते हैं, इसीलिए उनमें आप निवेश करने की सोचें, ये आप इन्वेस्टमेंट है। प्लीज़ नई एंट्री एवरेज की तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, और दोस्तों मेरी पर्सनल राय है आपको कोई भी पोजीशन बनाना है पहले, कोई भी इन द सेंस कोई भी पोजीशन बनानी है तो उससे पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये जो मैं आपके साथ बातें शेयर करता हूँ वो केवल ओरिजिनल एजुकेशनल पर्पस और केवल नॉलेजफुल पर्पस के लिए लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, या अपने खुद भी थोड़ा दोस्तों रिसर्च कीजिएगा खरीदारी से पहले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आपको मेरी बातें वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और यहां तक मेरे साथ जुड़े थे सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।